दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को हम कितने तरीके से शटडाउन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपिक तनवीर में। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को कितने तरीके से शटडाउन कर सकते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे हम सिस्टम को। दोस्तों, जैसा हमने इस वीडियो के इंट्रो में बताया कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को चार तरीके से मल्टीपल तरीके से कैसे सिस्टम को शटडाउन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला तरीका कि हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे और आप यहाँ पे देख रहे हैं शटडाउन का ऑप्शन दे रहा है, तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है हमारा कि अल्ट के साथ F4 दबाएंगे और यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन देगा और इसको जैसे ओके करेंगे आपका सिस्टम शटडाउन। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कमांड के माध्यम से बंद हो जाए, या थर्ड तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से, स्पेशली ये विंडोज 7 के लिए है, विंडोज बटन प्रेस करें, उसके बाद राइट बटन प्रेस करने के बाद और इंटर दबा दें। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। चौथा तरीका है, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो या आप रन कमांड पे जाएं और रन कमांड पे जाने के बाद आप टाइप करें शटडाउन --s -t -00 और जैसे इंटर कर देंगे आपका सिस्टम शॉर्टकट बना के दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, न्यू पर जाएं और यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। शॉर्टकट पे जाने के बाद हमें आप टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे 00 का मतलब ये है कि आप कितने टाइम बाद अपने सिस्टम को शटडाउन करना चाहते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि तुरंत शटडाउन हो जाए, तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शटडाउन का आइकन बन गया है, तो आप आइकन को चेंज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाएं, प्रॉपर्टीज जाने वाला चेंज आइकन का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से आप कोई भी आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए ये, अब हम यहाँ पे इसको हम रीनेम भी कर देते हैं। इसका नाम मैं कुछ भी इसे लिख देता हूँ। अब क्या होगा, कोई अगर इसको यूज करेगा, जैसे इस पे डबल क्लिक करेगा आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा।